नमस्कार, मैं हृदेश धारवार, आप देख रहे हैं खबर भारत। आज बात करेंगे बीजेपी के ध्वज यात्रा की। जैसे चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस दोनों दल ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। मतदाता रिझाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इसी क्रम में 15 अक्टूबर को पूरे मध्य प्रदेश में विजय संकल्प ध्वज लहराने का फैसला किया है। इसमें चर्चा करेंगे, बस सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। 15 तारीख से प्रारंभ होंगे। 15 तारीख को हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे जो राज्य में केंद्र के नेता हैं उनको, अगर वो 15 का समय हम लोगों को मिलता है तो 15 तारीख को जो हम लोगों का विजय संकल्प ध्वज लगाने का कार्यक्रम है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी जाएंगे, उस कार्यक्रम में हम लोग और कोशिश करेंगे कि हमारे केंद्रीय जो राज्य के नेता हैं वो भी समय अगर देंगे तो उनको भी हम जुड़ेंगे और बाकी 15 के बाद सब लोग आए। सच ध्वज की बात कर रही है, भगवाकरण आपका सवाल हो सकता है। कांग्रेस को कोई इस चीज़ पे सवाल नहीं खड़े कर रही है और ना हम भगवाकरण की बात कर रहे हैं। हम विजय संकल्प दिवस मना रहे हैं, उस दिन ध्वज अपना फहराएंगे। देखिए, इन लोगों को सिर्फ चुनाव को देखते हुए कन्या पूजन की याद आ रही, इनको चुनाव को देखते हुए ध्वज फैलाने की याद आ रही, ये चुनावी क्षेत्रों में याद आ रही कि पूरे प्रदेश में याद क्यों नहीं आ रही? पूरे प्रदेश में कन्या पूजन क्यों नहीं चल रहा है? नवरात्रि पर्व तो पूरे प्रदेश देश में चल रही है, सिर्फ मध्य प्रदेश के उपचुनाव क्षेत्रों में क्यों लागू? ध्वज जो फहरा रहे हैं तो आज तक किसी चेहरे पर इन्होंने इस तरह का ध्वज क्यों नहीं फहराया? आज तक अन्य किसी नवरात्रि पर इस तरह कन्या पूजन क्यों नहीं किया? पूरे प्रदेश क्यों नहीं कर रहे हैं? आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है बहन बेटियों को सुरक्षा के सम्मान की। बात करें रीवा की घटना, भोपाल की घटना, धार की घटना, NCRB के जो आंकड़े हैं उसके अंदर भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मासूम बच्चियाँ सुरक्षित है और सबसे मध्य प्रदेश इस अपराधों के मामले में देश में नंबर वन है। तो आज उन्हें सुरक्षा दे नहीं रहे, जो प्राथमिकता है कन्या पूजन, ध्वज फहराना, इसके नाम पर जनता को गुमराह करने का काम की आदत है। जनता सच्चाई को जानती है और मतदाता समय पर जवाब देगा। आज किसान न्याय मांग रहा है, युवा रोजगार मांग रहा है, महिलाएं सुरक्षा मांग रही है, OBC आदिवासी वर्ग अपना उत्थान और न्याय चाह रहा है, तो आज उस पर ये बात नहीं करेंगे। इस तरह की नौटंकियों में माहिर है, करते रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मतदाता सच्चाई को समझता है और वो विकास के मुद्दे पर वोट देगा और विकास की बात करना चाहता है। तो आज हम बात कर रहे हैं भाजपा के विजय संकल्प ध्वज की। जिस तरीके से चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है, उस तरीके भारतीय जनता पार्टी ने एक तैयार किया है एक अलग अनोखा कार्यक्रम, जिसमें 15 अक्टूबर को जहाँ जहाँ चुनाव होना है। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा 3 विधानसभा क्षेत्र पर चुनाव होना है। चुनाव के लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। अब इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, वीरेंद्र खटीक, ये तमाम लोग शामिल होंगे और ध्वज संकल्प फैलाएंगे। इस तरह बात करेंगे आज। पंकज जी कहता है जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने प्लान तैयार किया है कि विजय संकल्प ध्वज फहराएंगे जाकर, तो ये चुनाव की दृष्टि से कितना कारगर साबित होगा? अदे जी, ये एक सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी अपने हर कार्यक्रम को इवेंट के तौर पर लेती है। शायद उनका मैनेजमेंट, ये पुरानी उनकी एक परंपरा रही है कि जो भी कार्यक्रम करते हैं उसके पीछे उनका उद्देश्य कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से तैयार करना है। तो कहीं ना कहीं ये एक कार्यकर्ताओं में उत्साह लाने का प्रयास है, जिसके वो शायद वो चाहते हैं कि हम चुनाव के अंतिम तिथि तक पहुँचते कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहे और खासकर मतदाताओं को लाने में और उनके नज़दीक तक पहुंचने में कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान होता है। और उनके इसी योगदान को और ज़्यादा सक्रिय बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन करते हैं। पहले भी करते रहे, अभी फिर कर रहे हैं। अब वो मतदाताओं को लुभाने में कितना कारगर होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है, जिसके लिए शायद अभी तो नहीं, लेकिन निर्वाचन जो रिजल्ट आएंगे वो जरूर से पता चलेगा। लेकिन जो चुनाव जब आते हैं तभी पार्टियां सक्रिय होती हैं, फिर कन्या पूजन पे करना, बूथ बूथ पे जाना, मतदाताओं को रिझाना, कन्या पूजन के माध्यम से परिवार से जुड़ना, तो ये जुड़ने की पद्धति भारतीय जनता पार्टी में शुरू से रही है। लेकिन संकल्प लहराना, मतलब भारतीय जनता पार्टी पिछली बार किया था, एक विषय और निकल के सामने आता है। पिछली बार जब 28 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने थे तब भारतीय जनता पार्टी विजय निकाला था, जहाँ शिवराज सिंह चौहान खुद पॉजिटिव हुए थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्या लगता है आपको? ये हरे जी कुछ कह सकते हैं कि शायद पार्टी अब बहुत सारी चीज़ों में पार्टी में बदलाव का दौर चल रहा है और ये भी एक बड़ा वजह हो सकती है कि शायद पिछली बार जो जितना उत्साह के साथ चुनाव में होती थी और दूसरा उपचुनाव फिर जिस तरह से हार गई, तो निश्चित तौर पे उसको लगता है कि शायद अब अपने को कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से ज़रूरत है जगाने की, उन्हें उत्साह भरने की, और इसी का प्रयास कर रही है कि कैसे भी हो कार्यकर्ताओं में जो आम मत क्या होता है, जो लोग जो पार्टी सत्ता में होती है जी, तो वो लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद उसमें जो सबसे ज़्यादा खामियां आती हैं कार्यकर्ताओं में वो यही होती हैं कि उनमें मेहनत करने की थोड़ी सी ताकत कम हो जाती है।
और अब चुनाव का मौका है और पिछली बार उपचुनाव के नतीजे तो आपको पता ही हैं, तो अब निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि हमको फिर से एक बार हार का सामना करना पड़े, और इसलिए कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की लगातार कोशिश कर रही है। उस नहीं, कमलनाथ जी भी सक्रिय हो गए, आज वे भी लगातार चुनाव क्षेत्र में गए, सभाएं की, सभाओं के बाद उन्होंने भी बातचीत कही कि दावा कर रहे हैं कि दमोह का जो पैटर्न था, दमोह में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी, सिर्फ उसी पैटर्न पर चल के आज कांग्रेस जीत हासिल करेगी। तो दमोह कांग्रेस के लिए तो दमोह एक आइडियल निश्चित तौर पर तैयारी थी, अब उनको उसका अनुसरण करेंगे ही। दमोह में जो परिस्थितियाँ थी चुनाव की, जिस तरह से एक नए कैंडिडेट को उतारा था कांग्रेस ने मैदान में, अपना जो अपना खुद का विधायक बागी होने के बाद उन्होंने, तो और फिर वो भारतीय जनता पार्टी से पाला बदल के चुनाव लड़ रहा था, तो निश्चित तौर पे वो एक बड़ा बदलाव था और कांग्रेस ने वहाँ विजय प्राप्त करी, तो वो उसको रणनीत को वो अपना अहम रोल मानेंगे, रोल मॉडल मानते हुए नई तैयारी उसी के हिसाब से करेंगे। लेकिन देखिए, सिर्फ अकेले तैयारियों के अलावा रणनीति एक महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ा विषय है कि जनता का समर्थन हासिल करना, जनता पे विश्वास पैदा करना। लेकिन इस तरह के इवेंट से बहुत लाभ होगा ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी है। मुझको ऐसा लगता है कि अभी हमको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के मुद्दे हैं अभी इस समय प्रदेश में, वो बड़े बड़े चिंता डालने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का आसान मुद्दे नहीं है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल और महंगाई का मुद्दा चल रहा है, लोगों के बीच में एक बड़ा सवाल बन के खड़ा है, अच्छा प्रश्न है। तो उन हालात में ये बड़ा मतलब कठिन बात है कि भारतीय जनता पार्टी को ध्वजा इस तरह के इवेंट करने से उनको बहुत लाभ मिलेगा, ये अभी तो नहीं लगता संभव कि बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बात यहाँ तक, नवमी के दिन शिवराज सिंह चौहान खुद जो लाडली लक्ष्मी योजना है जिसके लाभान्वित हुई हैं, उन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो कन्या का जो पग पूजन की प्रथा हमारे यहाँ हिंदू समाज में रही है उसको भी परिपालन करेंगे। तो क्या लगता है कि इस तरीके जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा तैयार किए गए हैं, इसका लाभ चुनाव में मिलेगा? देखिए, सरकार के पास एक जो सबसे बड़ी कमी है रेश जी, वो ये है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। अब उपचुनाव के सामने है और विधानसभा में जाकर सरकार को वोट मांगना है। अभी जो अभी डेटा बताते हैं, आर्थिक हालात प्रदेश के बता रहे हैं कि प्रदेश खासकर जो जिन क्षेत्रों में चुनाव है उनके लिए सरकार ने विशेष तौर पर विकास कार्य करने के लिए कहा गया था, निर्देश था ऊपर से, लेकिन हालात ये कि अब चुनाव आते आते भी वहाँ की सड़कों में काम नहीं हुआ, आज भी उखड़ी सड़कें हैं, लोग विधायक परेशान है, स्थानीय नेता परेशान है सरकार से इस बात पर कहते हुए कि हमारे यहाँ जो अधूरे काम पड़े हैं, जो पंचायत भवन स्कूल जो अधूरे पड़े उनको पूरे करा दें, लेकिन चुनाव सामने होने के बाद भी सरकार इन कामों को पूरा नहीं करा पाई। तो सरकार के समक्ष जो आर्थिक चुनौतियां हैं उसको तो वो अपनी उजागर कर नहीं सकते, ऐसे हालात में सिर्फ जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं उनके दम पे मतदाताओं को लुभाना भारतीय जनता पार्टी के लिए तो के अलावा कोई विकल्प नहीं है, है मुश्किल चुनौतीपूर्ण है लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो इसीलिए अब लाडली लक्ष्मी हो या और जो भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा चलाई जा रही है, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो उनको ही सहारा है, बस उनसे ही सहारा लेना जो भी है। पंकज जी, बीजू रोकना चाहूंगा आपको, कांग्रेस पार्टी अपक्ष रणनीति जुड़ चुके हैं अजीज भदौरिया जी। अजीज जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर भारत में जुड़ने के लिए आपका। जी धन्यवाद। बात चल रही है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले मतदाताओं रिझाने के लिए विजय संकल्प ध्वज फहराने का निर्णय लिया है, तो ये संकल्प जो लेंगे क्या कारगर साबित होगा? देखिए हृदय जी, ये भारतीय जनता पार्टी के हथकंडे बहुत पुराने हो चुके हैं। मैं अभी पंकज जी को सुन रहा था, आपको भी सुन रहा था, जैसे बिल्कुल आप दोनों की चर्चा में मूल निकल के आया कि बिल्कुल जब चुनाव का समय आता उस समय भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के स्टंट करती है। आज प्रदेश को आवश्यकता है कन्या पूजन करिए, कन्या का सम्मान करिए, पर कन्या की रक्षा की भी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि बालिका अत्याचार में मध्य प्रदेश फिर नंबर वन पे पहुंच चुका है। पहली चीज, शिवराज सिंह जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें, कुछ करें। आज दो सबसे बड़ी समस्या है प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर की, महंगाई और किसानों की। आज कृषि मंत्री को कैटवॉक करने का तो फुर्सत है, रैंप पे मॉडलों के साथ गलबैया करके मॉडलों के साथ रैंप तो कृषि मंत्री कर सकते हैं, परंतु आज समर्थन मूल्य पे फसलें कहाँ मिल बिक रही हैं किसानों की, किसानों को डीएपी मिल रही है, खाद मिल रही है कि नहीं? वो दृश्य भी देखा है जब कमलनाथ जी जैकलीन की कमर में हाथ डाल के मंच पे खड़े हुए थे, वो दृश्य भी हमने देखा है। हाँ ठीक है ना, वो कमलनाथ जी पर उस समय आवश्यकता क्या थी? आज आईफा की अगर बात कर रहे हैं तो वही आईफा का आज मंत्री इनकी
संस्कृति मंत्री कह रही कि आईफा होगा जैसे ही कोरोना का कोविड का प्रकोप खत्म हो जाए इंदौर में, तो वो तो मध्य प्रदेश को एक वाइड स्तर पर ले जाने के लिए आईफा जैसे आयोजन भी आवश्यक है, वो भी आवश्यक है। परंतु आज कैटवॉक करने की जगह किसानों को खाद मिलना चाहिए, उनके समर्थन मूल्य पर फसलों की बिक्री होना चाहिए, वो ज्यादा आवश्यक है। शिवराज सिंह जी शराब की खपत कैसे प्रदेश में ज्यादा बढ़े उस पर तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, परंतु महंगाई कैसे कम हो, कन्याओं पे अत्याचार कैसे कम हो, ये इन सब पे नहीं। शराब की खपत अगर तो विजय संकल्प ध्वज फहराएगी, कन्या पूजन कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्ट्रेटजी किस तरीके से मैदान में उतरेंगे आप? कांग्रेस पार्टी तो मैंने आप बताया ना, इन बिंदुओं पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये मूल बिंदु हैं जो जनता को सीधे सीधे जनता से संबद्ध करते, जनता सीधे सीधे इन बिंदुओं से संबद्ध है। आज 115 रुपए लीटर हम पेट्रोल ले रहे हैं, आज सिलेंडर 1000 के आसपास पहुंच गया है मध्य प्रदेश में, कई जगह 100 से ऊपर डीजल पार हो गया है। किसानों की स्थिति यह है कि प्रदेश में देश के कृषि मंत्री के लोकसभा क्षेत्र में खाद नसीब नहीं है, ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। आप चाहे बातों के बता से कितने बनाते रहिए और मुंगेरी लाल के कितने भी हसीन सपने देखते रहिए, शिवराज सिंह जी देखते रहिए, जैसे दमोह में जनता ने आपको परिणाम दिखा दिया। जनता पे जब खुद बिकती है तो ये हथकंडे किसी के काम नहीं आते हृदय जी, ये भी बात सत्य है। ठीक बात है। पंकज, क्या लगता है कि बाकी विषय गंभीर है, किसान खाद के लिए मारामारी, मुरैना का दृश्य आपने देखा है, ग्वालियर में आपने देखा है, कृषि मंत्री है उनके क्षेत्र में इस तरीके से लूटमार होती है, तो बाकी मुद्दे तो गंभीर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके संकल्प ध्वज लहराएगी तो क्या ये मुद्दे हावी नहीं होंगे उसके ऊपर? देखिए, मुद्दे तो जो है, मैंने अभी पहले भी अपने वेदे जी आपसे कहा कि इस तरह के इवेंट से मतलब बहुत ज्यादा पार्टी को लाभ होने की उम्मीद नहीं कर सकते, वो सिर्फ कार्यकर्ताओं को जाने का एक माध्यम हो सकता है, उनको सक्रिय करने का एक माध्यम हो सकता है कि ताकि मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ला सके, इसी बहाने मतदाताओं तक अपनी पहचान पहुंच बना सके, लोगों को लगे कि शायद आम आदमी को पार्टी कार्यकर्ता सक्रिय हैं और हम तो हमको लाने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन जो मुद्दे हैं उनसे नहीं मुड़ सकती पार्टी। अब मुद्दे बड़े गंभीर हैं, अपने जैसे सब आप भी कह रहे हो कि मुद्दे इतने गंभीर हैं कि उन पे ये चीज़ें ज़्यादा असर नहीं करने वाली हैं। सरकार को सीधा सीधा जवाब देना चाहिए कि जो अभी ये महंगाई डीजल पेट्रोल का इसका स्पष्ट सवाल जवाब देना चाहिए सरकार को, जो सरकार दे नहीं सकती या जब सरकार के पास है नहीं। सरकार, केंद्र सरकार भी भारतीय जनता पार्टी है और राज्य सरकार भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, तो निश्चित तौर पर जो ये जो भरपाई करना है स्टेट राज्य सरकार के लिए ये आसान नहीं है, क्योंकि अपनी ही पार्टी की सरकार का विरोध करके जनता को कुछ और नया देने की कोशिश नहीं कर सकती। तो इसलिए सरकार के पास अब एक ही विकल्प है कि या पुरानी योजनाओं को दोहराएं या और इस तरह के इवेंट करके उनका थोड़ा ध्यान भटकाने की कोशिश करें। लेकिन अब देखिए, अगर विपक्ष की जागरूकता है तो ये असर नहीं करेगा। अब ये कांग्रेस के लिए भी बड़े चुनौतीपूर्ण है कि लोगों को सच्चाई कैसे बताती है, हालांकि इसमें सच्चाई बताने जैसी अभी स्थिति है नहीं, क्योंकि लोगों को स्वयं पता है कि प्रदेश के हालात कैसे हैं, आर्थिक हालात कैसे हैं, के बाद से जो चुनौतियां लोगों के पास है ये उन चुनौतियों से निपटने में लोग अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी जूझ रहे हैं उन चुनौतियों से। तो लोग कहीं ना कहीं इसकी नाराजगी के रूप में एक बार फिर शायद भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। संभावनाएं अभी बहुत सारी हैं, बहुत सब कुछ निर्भर करेगा कांग्रेस के अपने सक्रियता पर, उनके मुद्दों उठाने के तरीके पर और मतदाताओं के जो निर्णय होगा वो होगा। अजीत जी, क्या लगता है जिस तरीके से जो माहौल चल रहा है अभी देश में, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, गैस महंगी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कोविड के बाद लोग की लाइफ जो है बेपटरी है, तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस पार्टी धरातल पर कैसे उतारेगी? क्योंकि जनता में नाराजगी तो है लेकिन उम्मीद लगती है विपक्ष से, तो विपक्ष कितना तैयार है उसके लिए? देखिए हृदेश जी, पिछले 6 महीने का आप जब से कोविड की प्रकोप कम हुआ है आप सिनेरियो उठा के देख लीजिए, कोविड काल में भी कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने, विधायक ने जितनी सक्षमता थी उसके हिसाब से मदद की आम जनमानस की, महंगाई का विरोध किया, युवक कांग्रेस ने किया, सारे मोर्चा संगठन ने किया, कांग्रेस पार्टी ने लगातार मध्य प्रदेश के हर जिले में किया और आज भी करती चली जा रही, उसके लिए कोई चुनाव का इंतजार नहीं किया कांग्रेस पार्टी कि सिर्फ जहां चुनाव है वहां चुनावी या विधानसभाओं में जाके इस तरीके के प्रदर्शन करें, कांग्रेस ने प्रदेश के हर जिले में किया, पहली चीज। दूसरी चीज, आप एक कुछ धरातल पे एक चीज सोचिए, भारतीय जनता पार्टी इतने अहंकार में चूर हो चुकी है कि इस मध्य प्रदेश के मतदाता जिस तरीके से खरीद परोक्त भारतीय जनता पार्टी कर रही है,
उससे उकता चुका है। आप दमोह का इसका उदाहरण देख लीजिए, दमोह में इनने खरीद फरोख्त करके आप प्रत्याशी को लेके आए और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ाया राहुल लोधी को, जनता ने सबक सिखाया। अब आप अपने आप को स्वयं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी मिसकॉल पार्टी कहते हो कि मिसकॉल के माध्यम से सबसे बड़ी पार्टी हम है इस ब्रह्मांड की सृष्टि की। तो आप तीन उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के मध्य प्रदेश में, दो विधानसभाओं में आपको प्रत्याशी नहीं मिले, एक विधानसभा में पृथ्वीपुर में आप समाजवादी पार्टी से लेके आते हो, जो वट में आप कांग्रेस पार्टी से लेके आते हो प्रत्याशी। तो और 17 साल से इसी प्रदेश में सरकार है, 15 साल से एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री है। तो भारतीय जनता पार्टी की धरातल पे क्या स्थिति है हृदेश जी, इसका आकलन तो ये वस्तु स्थिति अपने आप स्पष्ट कर रही है। आप कितना भी सरकारी तंत्र का उपयोग कर लीजिए, कितना भी धन तंत्र का दुरुपयोग कर लीजिए, मध्य प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है, क्योंकि 115 रुपए लीटर पेट्रोल स्वयं जनमानस ले रहा है, 1000 का सिलेंडर गृहणियां ले रही हैं, जिन्हें मालूम है कि आज कांग्रेस सरकार में 450 का मिलता था। कांग्रेस की सरकार ने तो कहा था कि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विरोध किया था, कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि हम GST लागू करेंगे, उसके दायरे में डीजल पेट्रोल को लेके आएंगे। अगर आज GST के दायरे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखने के लिए ब्रज गोपाल जुड़े हुए हैं। ब्रज गोपाल जी बहुत स्वागत है भारत में आपका। जी हृदेश जी, तो बात चल रही है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से विजय संकल्प ध्वज फहराने का निर्णय किया है, क्योंकि मुद्दे ज्वलंत हैं, तो इन मुद्दों के बीच क्या ध्वज फहराना भारतीय जनता पार्टी पक्ष में होगा? नहीं, देखिए ध्वज फहराना तो विजय संकल्प ध्वज जो होता है हम प्रत्येक चुनाव में फहराते हैं। हमारी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गर्व के साथ भारतीय जनता पार्टी का ध्वज अपने घर के ऊपर लगाता है। ये हमारे लिए एक गौरव का विषय है कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं। हमारे पास एक दिशा है, नीति है और नियत है, इसलिए हम गर्व के साथ प्रत्याशी नहीं है, बस केवल प्रत्याशी भी उसी कार्यकर्ता में से चुन ले लो जी। मैं समय से सुन रहा था भैया, आप 5 मिनट सुन ले, आप 5 मिनट सुन ले, आपकी पूरी बातें सुना देता हूँ। आपके पास प्रत्याशी थे नहीं थे, किसका टिकट डिक्लेयर हो रहा था, किनने घोषणा कर दी, किनने बधाई दे दी और उनने क्यों मना कर दिया, इन बातों में मैं नहीं जाना चाहता। विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता तो अपना ध्वज लगाना नहीं चाहता। ये अभी कह रहे थे कि 17 साल से मुख्यमंत्री है शिवराज जी, इनको बड़ी आपत्ति है, इनको जबकि एक परिवार इनको 70 साल से चला रहा है उसमें इनकी नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मध्य प्रदेश का मतदाता और मध्य प्रदेश की जनता ये बहुत बेहतर जानती है कि जिन परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई उसके बावजूद भी हम अगर बेहतर कर पा रहे हैं तो मध्य प्रदेश उनमें से अग्रणी राज्यों में से एक है, नहीं तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, स्थितियां कैसी है सबको मालूम है। महत्वपूर्ण आज ये भी है, ये खाद की बात कर रहे थे अभी, खाद सब जगह उपलब्ध है और पिछले साल से ज्यादा उपलब्ध है, कई जिलों में ज्यादा उपलब्ध है, नहीं तो पिछले साल के बराबर खाद उपलब्ध है। उसमें अगर कहीं असुविधा है तो माननीय मुख्यमंत्री ने आज उसके निर्देश जारी किए हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो बार बार कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी को गर्व करने का अवसर है, हम चुनाव में कुछ अलग करना और वैसे अलग करना इन आचरणों के लोग नहीं है कि चुनाव आ गया तो हम कोट के ऊपर जनेऊ पहन के आएंगे और यदि हम बनारस जा रहे हैं तो रुद्राक्ष पहनेंगे और केरल जा रहे हैं तो क्रॉस पहनेंगे, हम उस परंपरा के लोग नहीं है। एक हमारी परंपरा है, शिवराज जी जहाँ जाते हैं वहाँ कन्या पूजन करते हैं, ये उनका नियम है और ये आज से नहीं है, 2013 से है। 2013 से शिवराज जी ने आज तक जो भी कार्यक्रम किया है वहाँ कन्या पूजन किया है। कन्या पूजन हमारे लिए भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। अब इस चुनाव में जहां तक इसके संदर्भ की बात है तो कांग्रेस को इसमें कोई भी तरह से उसमें स्पेस नहीं मिल रहा है। ये जो बार बार दमोह की बात कही जा रही है, हृदेश जी आप भी जानते हैं कि यदि आपके पास एक चिंदी होती है तो उससे सूत्र नहीं बनता है। अभी जब 28 चुनाव हुए थे तब मध्य प्रदेश में क्या हुआ था सबने देखा, कांग्रेस अपनी सीटें बचा नहीं सकी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूती मिली। आज पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि किनके नेतृत्व में विकास हो सकता है, इसलिए इन 4 चुनावों में हमारी जीत सुनिश्चित है। गोपाल जी सवाल और मेरा ये था कि जब 28 सीटों के उपचुनाव थे तब भारतीय जनता पार्टी ने एक विजय रथ निकाला था जहां पोस्टर बॉय शिवराज सिंह चौहान होते, लेकिन इस बार ऐसा कोई रथ अभी तक रवाना नहीं हुआ, न शिवराज जी पोस्टर बॉय बने।
नहीं नहीं नहीं, शिवराज जी पोस्टर बॉय ना बनने का सवाल नहीं है। शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। जहां तक रथ का या किसी प्रचार वाहन का सवाल है तो अभी चुनाव का भी समय है, चुनाव आप आगे बढ़ने दीजिए, सब आपको दिखाई देगा। और भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व की भावना से चुनाव लड़ती है। कहना चाहते हैं आप? हमारे अजीत जी बोलिए। देखिए हृदय जी, वो रथ कितनी विधानसभाओं में पहुंचा था, आचार संहिता लगी थी उसी दिन रथ ठप हो गया था। 2018 के चुनाव के संदर्भ की बात कर रहा हूँ, पूरी 230 विधानसभाओं तक नहीं पहुंच पाया था शिवराज जी का वो रथ। आपको बता दूं, क्योंकि सरकारी तंत्र के भरोसे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आप देखिए कहीं पे भी किसी भी पार्टी का आयोजन होगा, गुलाबी साड़ी पहने माताएं बहने आ जाएंगी, ANM कार्यकर्ता आ जाएंगी, आंगन कार्यकर्ता आ जाएंगी। उनपे जिम्मेदारी रहती है कि भाई 50-50, 100-100 महिलाएं लेके आना है। सेक्रेटरियों पे जिम्मेदारी रहती है आपको 10-10 ट्रैक्टर भरवा के लाना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से कार्यकर्ताओं के बेस पे खत्म हो चुकी है। वो पूरी की पूरी सरकार के सहारे चलती है, इसीलिए 15 महीने में भारतीय जनता पार्टी बौखला गई थी। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बौखला गया था कमल के जो सकारात्मक काम थे उनसे, उन्हें लगा कि हमारी तो जमीन पूरी खत्म हो जाएगी, इसीलिए तो इन पर प्रत्याशी नहीं मिलते कार्यकर्ता। रथ का लोकेशन मैं बताता हूँ, आपको याद है बिंध में रथ पर पथराव हुआ था और आपकी बिंध में क्या स्थिति बनी, आपको याद है 2018 में आप रथ की बात करते थे। विधानसभाओं में गया लोहिया जी, बीजेपी के प्रवक्ता सनवर पटेल जी जुड़ चुके हैं। सनवर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सनवर जी आवाज आ रही है? दो प्रवक्ता जोड़ रहे हैं बीजेपी से। सनवर जी आप खुद क्षेत्र में है, भारतीय जनता पार्टी ने विजय संकल्प ध्वज फहराने का निर्णय किया है, क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा? क्योंकि जिस तरीके से मुद्दे गर्म है, महंगाई, बेरोजगारी और गैस, पेट्रोल, डीजल, तमाम चीजें हैं, ऐसे में कैसे पार पाएंगे? दो दो लोग जोड़ोगे क्या बीजेपी से? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चारों उपचुनाव जाने वाले हैं। प्रत्याशी तो मिले नहीं, कहां से चले जाएंगे यार? महंगाई है लेकिन विश्वव्यापी महंगाई। अरे पटेल साहब, आपको प्रत्याशी मिले नहीं है, सुनो मेरी बात पटेल साहब। अरे आपके कहने से जाएंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गांव, गरीब और किसान। भदौरिया जी पटेल साहब बीजेपी के अधिकृत प्रवक्ता भी है। भारतीय जनता पार्टी तो दो दो लोग आपने जोड़ लिए नारे को लेकर। बीडी शर्मा ही बचे हैं, उनको और जोड़ लो या लोकेंद्र बारा सर बचे। कह रहे थे कि 15 माह में उन्होंने ये कर दिया, 15 माह में जो कांग्रेस की सरकार ने हाहाकार मचा दिया था, लोग परेशान हो गए थे। मध्य प्रदेश सरकार की सारी बहुत बढ़िया, तभी प्रत्याशी भी मिल रहे। भारतीय जनता आप चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं दोस्त, गलती से भी मौका मिल गया तो ये लोग क्या हाल कर देते हमारी मध्य प्रदेश। अच्छा पटेल साहब, कोविड में मरे हुए को आप आज फिर नाम बताइए, एक नाम बताइए पटेल साहब, कोविड में मरे हुए को मुआवजा मिला। पटेल साहब कोविड में किसी को मुआवजा दिया? नाम एक नाम, केवल एक नाम, जितने एक नाम बताइए। नहीं मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप भी ग्वालियर के रहने वाले हैं, उससे काम नहीं चलता है। आपको मैं नाम बता रहा हूँ, उससे काम नहीं चलता है। एक नाम बताइए कोविड में जिन लोगों की मौत आज तक माता नहीं मिली, उन लोगों को कर दिया आप लोगों की मौत हुई उनको आज तक माता नहीं मिला है। जान की बाजी लगाकर कोविड में मध्य प्रदेश के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर खुद संक्रमित होकर रेमडेसिविर ब्लैक करे हैं, अपने पितृपुरुष कुशाव ठाकरे के भतीजों को बचा नहीं पाए। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के अभाव में दोनों लोग इंदौर में मर गए। कुशाव ठाकरे को जानते हो आप? याद है कुशाव ठाकरे? उनके दोनों भतीजे मर गए इंदौर में। इसमें मना नहीं है कि आप आरोप मत लगाइए, लेकिन सकारात्मक। अरे आरोप नहीं, ऑन रिकॉर्ड है दोस्त मेरे। अरे पटेल साहब ऑन रिकॉर्ड है, अंदर आपने योजनाएं बंद कर दी। अरे पटेल साहब, आपके पितृपुरुष है, आपके पितृपुरुष है। बीमा होता था उसके प्रीमियम 2200 करोड़ रुपए नहीं भरी। अरे 28 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, आपकी विधानसभा में स्वीकार हुआ। एक भी किसान पर 2 लाख विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड 2 लाख होता था, 2 लाख कर दिए। एक घंटे में एक नाम बताइए मुआवजा किसको दिया शिवराज सिंह ने? एक नाम बताइए, चलिए एक नाम बताइए। बेरोजगारी भत्ते हृदय जी,
हृदय जी, जी जी ये मैं सरवन पटेल जी से पांचवी बार पूछ रहा हूँ। पिछले 15 दिन में मैं सरवन पटेल जी से अलग अलग मंचों पे मैं 5 बार पूछ चुका हूँ कि एक नाम बताइए कोविड से मरने वाले को जिसमें मुआवजा मिला। आपको जिला सूची एक नाम बता दीजिए। आवेदन छोड़िए, आप तो एक नाम बताइए कितने आवेदन आए थे। अरे एक नाम बताइए कि फलाने प्रसाद को हमने मुआवजा दिया। एक लाख रुपए का मुआवजा देने की बात सरकार ने कही थी, वो आज तक नहीं मिला। ये बात तो वाकई हकीकत है। कल भूपेंद्र सिंह जी का बयान सामने आया है, उनको सुना हमने। नहीं मैं तो मैंने कौन सी योजना के तहत उनकी मदद की है, मैं सूची के तहत इनको नाम बता चुका हूँ, संख्या के सही। अरे मुआवजा मेरे दोस्त, मुआवजा किसको मिला? जिसकी शिवराज सिंह ने घोषणा की थी कि कोविड से जो मरेगा वो 1 लाख रुपए। अब आप मेरी बात सुनिए पटेल साहब, बिल्कुल शांति से सुनना। आप ग्वालियर के निवासी हैं, आपके उज्जैन के निवासी हैं पटेल जी। अच्छा सुनिए, तो आप उज्जैन के निवासी हैं पटेल साहब, आपका पनिहार में ग्वालियर के पास सोलंकी परिवार है, बीजेपी का पूरा परिवार है, मुअज्जित परिवार है, रेपुटेटेड परिवार है, खानदानी परिवार भारतीय जनता पार्टी का है, उसके सदस्य हैं, उनको सर्टिफिकेट पे भी कोविड से मौत लिखी है, वो आवेदन कर चुके हैं, आज 4 महीने से उन्हें कहीं कोई मुआवजा नहीं मिला। आप कहो मैं आपको सर्टिफिकेट उनका जिसपे लिखा है मौत का कारण कोविड, उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला, वो सर्टिफिकेट मैं व्हाट्सएप कर दूं आपको। अरे आप एक नाम बता दो दोस्त, कोशिश कीजिए, आप एक नाम बताइए। चलिए हृदय जी इनसे एक नाम पूछ लीजिए, ये सूची बता रहे हैं, एक नाम पूछिए किसको मुआवजा मिला कोविड से। मैंने तो पिछली कोविड की आपको मंदसौर की सूची, नीमच की सूची सब बताइए। अब आप एक नाम बताइए, सूची क्या है तो कैसे काम बताइए। अजीत भदौरिया को मिला, हृदय जी को मिला, सरवन जी को मिला, हमारे विद्वान मित्र जी का नाम बता दीजिए जिससे कि मैं इनको व्यक्तिगत भी दे सकूं। मैं तो अजीत भदौरिया, अजीत भदौरिया हूँ। अरे अजीत जी बोल रहे हैं, भदौरिया जी। हाँ हाँ, आपसे कई बार चर्चा हो चुकी है। मुझे अचानक से जोड़ा अजीत जी, इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको, इसलिए पूछा, माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं दोस्त, एक नाम बता दीजिए केवल कोविड से। मैंने आपको 59 नाम नहीं नहीं नाम नहीं बताया, देखिए आज तक नाम नहीं बताया आपने। नहीं 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 नाम नहीं बताया आपने, आपने नाम नहीं बताया, देखिए गलत नहीं, आपने संख्या बताई थी, नाम नहीं बताया, एक नाम बताइए। चलिए चंद्र पटेल जी, समय का अभाव है, आप जुड़े, आपके लिए बहुत शुक्रिया उसके लिए। पंकज जी आप बात रखिएगा अपने, समय का अभाव क्योंकि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आप, पंकज जी बात रखिएगा। हृदय जी क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी, देखिए जो ये विषय उठा रहे हैं ये तो मूल मुद्दे हैं ही, लेकिन क्या है कि जो अभी अपन ध्वज लगाने की बात कर रहे हैं, इस तरह के इवेंट्स की बात कर रहे हैं, अब ये राजनीतिक टकराव है, मुद्दे हैं, ये तो अभी हम लगातार देखने को मिलेंगे। लेकिन अब मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ कि अभी भी मैं कहना इसमें संशय है कि इस तरह के इवेंट्स से क्या वोट मतदान वोट बढ़ पाएगा बीजेपी का, नहीं बढ़ पाएगा, कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन पंकज जी समय का अभाव है। अजीत जी, पंकज जी आप दोनों मेहमान जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि बात चल रही है भारतीय जनता पार्टी के ध्वज संकल्प की, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्लान तैयार किया है, ये प्लान कितना सार्थक साबित होगा, क्या मतदाता रुझान के लिए जो जिस स्ट्रेटजी पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, क्या स्ट्रेटजी सफल होगी या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है, पर जानना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो नवाचार किया है, लगातार करते आए हैं, कन्या पूजन हो चाहे पद पूजन हो, तमाम चीज़ें वो करते आए हैं, और इन तमाम चीज़ों का लाभ चुनाव में निश्चित तौर मिलता है नहीं मिलता, ये हमें देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जा रहा है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पत्रकारिता हमारे लिए